चाहिए क्योंकि उनका भारत का जो इतिहास रहा है, क्योंकि ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है ये हमारे भारत के आखिरी हिंदू सम्राट राजा थे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका ऋषभ आपके साथ, चलिए करते एक नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, आप में से कईयों को पता होगा आज 3 जून है और आज पूरे देश भर में पृथ्वीराज रिलीज हो चुकी है। तो मैं खुद आज बाढ़ का सविता हॉल में जा रहा हूँ पृथ्वीराज देखने के लिए, और वहाँ पर देखूंगा कि कितनी भीड़ है आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, क्योंकि इस मूवी को देखने का कई कारण है। क्योंकि इस मूवी में जो एक्टर है वो मेन रोल में अक्षय कुमार है और उनकी तो फैन फॉलोइंग पता ही है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात, ये हिस्टोरिकल मूवी है जिसे सबको देखना चाहिए, और ये आखिरी हिंदू सम्राट थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, तो उन पर बनी हुई ये फिल्म है। और इसे देखने का जो क्रेज़ है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोग अभी सविता थिएटर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि क्या माहौल है, और फिर एंड ऑफ द मूवी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये मूवी कैसी है और देखने लायक है भी कि नहीं, मतलब। और वहाँ पर जो भी भीड़ होगा मैं कोशिश करूँगा उनको कवर करने की, और उनसे भी जानूँगा इस मूवी के बारे में और उनके क्या अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे तुरंत अब सविता थिएटर। फ्रेंड्स, मैं हॉल में अभी पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी टाइम है इसलिए अभी भीड़ जो बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। अभी 8-10 आदमी दिख रहे हैं कैंपस में, तो जैसे जैसे भीड़ होगी मैं पूरा वीडियो कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और अभी मेरे एक आदमी भी आ रहे हैं जो मेरे साथ इस मूवी को देखने वाले हैं। जैसे टाइम हो रहा है, पब्लिक का भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ पब्लिक है और जानते हैं उनसे वो लोग ये मूवी को क्यों देखना चाहेंगे। तो सर आप बताइए, कैमरे में देख के। सबसे पहले तो विवेक सिंह, आप ये मूवी क्यों देखना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और ये मूवी सिर्फ हमें ही नहीं, भारत के हर एक युवा को और आने वाले पीढ़ी को देखना चाहिए, क्योंकि उनका भारत का जो इतिहास रहा है, क्योंकि ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है ये हमारे भारत के आखिरी हिंदू सम्राट राजा थे। तो इनका जो भी वीरता है, इनका जो शब्द वेदीवान का कला है, और इन्होंने जो हराया था उनको, क्या नाम, सम्राट का, हाँ, उसको जो हराया था, तो आखिरी जो उनको जो तीर मारा है उसके बारे में सबको जानना चाहिए अच्छे से। तो इन्होंने बहुत अच्छा बोला। और चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे पास साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। भैया, ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, तो इनसे बात करते हैं। आप भी कुछ ओपिनियन बताइए इस मूवी के बारे में। ये हमारे भारत के सबसे बड़े सम्राट, अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट थे। इनके बारे में जानना यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे इन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे आक्रांताओं को हराया है, यही मूवी में बताया गया है। तो मतलब आप अकेले आए या मतलब ग्रुप के साथ? सारे ग्रुप लोग के साथ आए, बहुत सारा भीड़ है यहाँ पर। तो भीड़ दोस्तों बढ़ती ही जा रही है, और मैं भी यही कहूँगा कि ये जो मूवी है इसे हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक इंडियन होने के नाते देखिए, क्योंकि ये मूवी जो है हिस्टोरिकल मूवी है, हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और आगे भी कई चीज़ों को हमें बताएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए साथ में, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो इसी तरीके का मैं वीडियो आपको आगे भी दूंगा, और एंड ऑफ द मूवी मैं ये भी बताऊंगा कि ये मूवी कैसी बनी है और लोगों को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी भीड़ है, हम लोग उनसे भी चलते हैं और बातें करते हैं इस मूवी के बारे में। तो आइए, यहाँ पर और भी लोग हैं नीचे बैठे हुए हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। भैया, थोड़ा बताइएगा, आप अकेले आए या अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ? नहीं नहीं, यही फ्रेंड्स हमारे। तो पूरे फ्रेंड के साथ? तो सपूतों के साथ आए। तो मतलब आपका क्या ओपिनियन है, ये मूवी क्यों देखना चाहिए? राजपूतों पे कहानी बना, प्लस पृथ्वीराज चौहान हमारे एंसेस्टर से पूर्वज किसी का। तो चलिए, तो मतलब क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मूवी सभी को देखना चाहिए या सिर्फ हिंदुओं को देखना चाहिए? सभी को देखना चाहिए, इतिहास के बारे में इसे पता चलता है और पृथ्वीराज चौहान कितने महान हैं। सही बोले, इसे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और उसी तरह इस मूवी को भी देखिए पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए जरूर। और इसी तरह मैं आगे भी वीडियो दूंगा, तो वीडियो में बने।
सो फ्रेंड्स, अभी हुई है इंटरवल और अभी हम लोग हॉल से बाहर आए हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। अभी हम लोगों ने एक माजा और दो टेढ़े मेढ़े लिया है और अब अंदर जाएंगे और इसको खा करके फिर आगे का मूवी इंजॉय करेंगे। और फिर जब मूवी ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको इस मूवी का पूरा रिव्यू भी बताऊँगा। तो वीडियो में तो फ्रेंड्स, अभी मूवी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और अभी कुछ लोगों से जानेंगे कि ये मूवी कैसा है। वैसे मैं बता दूँ कि ये मूवी जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी। अगर इसे नहीं देखा तो क्या देखा, पुष्पा देखा, केजीएफ देखा, एक बार पृथ्वीराज मूवी को देखिए, खुद जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिलीज के साथ जाइए। तो मूवी बहुत टॉप क्लास रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आइए जानते हैं हमारे एक सर से कि ये मूवी कैसी रही है, तो उनसे भी थोड़ा बात कर लें। तो बताइए सर, आपको ये मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छा। तो इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो आप क्या क्या मानते हैं? वो जो अंधा होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गौरी को जो घोड़ी पे वार करते हुए उसका हत्या किया, वो सबसे प्लस पॉइंट। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे, सभी को एक संदेश देना चाहेंगे कि ये मूवी सब लोग देखें, फैमिली दोस्तों के साथ देखना चाहिए? चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। आपका नाम सर? सौरभ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।